रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अगले 24 से 48 घंटे धरती पर भारी बंद हो जाएंगे इंटरनेट, मोबाइल, बिजली। भारत पर होगा असर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमें फॉलो जरूर करें। एक हफ्ते से कदरत मानो रूठी हुई है। अभी आंधी तूफान और बारिश का खतरा देश के कई राज्यों पर मंडरा रहा है। अब इसके बाद एक और कुदरती कहर की चेतावनी जारी की गई है और यह कहर आसमान से टूटने वाला है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर इस वक्त सोलर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से अगले 24 घंटे दुनिया के लिए भारी पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक सोलर तूफान धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में यह धरती से टकराने वाला है। अगर यह तूफान धरती से टकराता है तो यह दुनिया में एक भारी तबाही मचा देगा। इस तूफान का असर दुनिया के किन किन हिस्सों में होगा, इसे लेकर अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी यह माना जा रहा है कि दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें भारत का भी कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। भारत में भी होगा इसका असर। नासा ने इस सोलर तूफान को 5 श्रेणियों में बांटा है, G1 से लेकर G5 तक बांटे गए। इस तूफान की G5 श्रेणी सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। G1 का असर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन पर पड़ेगा और भारत में इस तूफान का आंशिक असर रहेगा। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी देशों में देखने को मिलेगा।